1850 में आज ही के दिन मशहूर लेखक और पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब साहित्य के क्षेत्र में आए तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम कम था क्योंकि अंग्रेजी की नीति से हमारे साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था। भारतेंदु ने सबसे पहले समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्ण चरित्र आदि इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य को इन्होंने विशेष समृद्धि प्रदान की है। इन्होंने दोहा, चौपाई, छंद, बरवे, हरि गीतिका, कवित्त और सवैया आदि पर भी काम किया है। इन्होंने न केवल कहानी और कविता के क्षेत्र में काम किया बल्कि नाटक के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया। 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु ने 72 ग्रंथों की रचनाएं की। 1920 में आज ही के दिन आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी और 1920 में भारतीय संसद के एक अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। यह विश्वविद्यालय सभी जाति, पंथ, धर्म और लिंग के छात्रों के लिए खुला है। 1967 में मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध से की थी। भले ही यह फिल्म पर्दे पर नहीं चली लेकिन अक्षय सबकी नजरों में आ चुके थे। 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी से अक्षय कुमार को एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली। 1993 का वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि इनकी अधिकांश फिल्में बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाने में असफल रहीं। 1994 का वर्ष अक्षय के लिए सुनहरा मौका लेकर आया और इनकी दो फिल्में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और मोहरा वर्ष की सर्वाधिक सफल फिल्मों में रहीं। ये दिल लगी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हेरा फेरी, धड़कन, गरम मसाला, भागम भाग, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। 2008 में अक्षय कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 1971 में आज के दिन ब्रितानी राजदूत जेफरी जैक्सन को 8 महीनों की कैद से रिहा किया गया था। जेफरी को कट्टर वामपंथियों ने बंदी बना लिया था। जेफरी जैक्सन को रिहाई के दौरान साउथ अमेरिका की राजधानी मोंटेविडियो में स्थित एक गिरजाघर के बाहर छोड़ा गया। बंधकों ने क्यूबा के एक पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जेफरी को एक ऐसे कमरे में रखा गया है जिसमें कोई खिड़की नहीं है और वो फिट रहने के लिए कीचड़ से भरी उस चार दीवारी में ही दौड़ लगाते हैं। ये कट्टरपंथी वामपंथी बंधक उरुग्वे की सरकार के खिलाफ थे और उनके 106 साथियों को जब जेल से रिहा किया गया तब उन्होंने ब्रितानी राजदूत को भी रिहा करने का फैसला किया। और 1976 में आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाने वाले माओ से त्विंग का निधन हुआ था। सेंट्रल कमिटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ के निधन की घोषणा की थी। राजधानी में चेयरमैन माओ के निधन की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने शोक जताने के लिए हाथों में काली पट्टी बांधी। उनके शव को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में रखा गया और 18 सितंबर को टियानमेन स्क्वायर पर उनकी शोक सभा आयोजित की गई। 1930 में माओ ने रेड आर्मी का गठन किया था और उसकी 6000 मील के लॉन्ग मार्च का आयोजन किया ताकि राष्ट्रवादी ताकतों से लोहा लिया जा सके। 1949 में राष्ट्रवादियों से जीत हासिल करने के बाद माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन का ऐलान किया और उसके पहले नेता बने थे।